बिल्कुल 1 मिनट पहले पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मेरी अपॉइंटमेंट है अगेन टू फॉर अरबाइट पुंडेस अगेन टू फॉर अरबाइट, जो कि यहाँ की जॉब सर्च एजेंसी है। दिस इज द राइट वर्ड, है ना, एजेंसी जो पूरा सब कुछ मैनेज करते हैं, किसके पास जॉब है, किसके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो वो हेल्प करते हैं, प्लस जो जिसके पास जॉब नहीं होती उसे पैसे देते हैं, जिसे बोलते हैं अरबाइट लॉस गेल्ड। तो उस एजेंसी पे हम जा रहे हैं जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर है, मतलब रॉयटलिंगन में है, मेंजिंगन में नहीं है। तो हमें वहाँ 10:30 बजे अपॉइंटमेंट मिली थी। दीपक बहुत लेट फ्री हुआ है और हम लोग बस एकदम, मुझे लगता है 1 मिनट पहले ही जाएंगे, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो ये अभी गाड़ी में पूरा ओस जमी हुई थी, ठंड हो गई है एकदम से भयंकर वाली, और अभी तो थोड़ा सही दिख रहा है, पर थोड़ी देर पहले पूरा कोहरा कोहरा दिख रहा था यहाँ पर। यहाँ तो जॉब ढूंढना इजी होता है, यहाँ तो सबको बताना पड़ता है, ढिंढोरा पीटना पड़ता है कि हम जॉबलेस हैं। और वही कर लिया था मैंने, मतलब रजिस्टर कराना इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है ये जो जितने टाइम मैंने जॉब नहीं करी उसमें मुझे पैसे मिले, तो थोड़ा लालच मेरे मन में भी था कि जाऊँ और देखो क्या है, और थोड़ा लालच ये भी था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सुनने से अच्छा है खुद ही एक्सपीरियंस कर लो क्या है। तो मेरा जो डिस्कशन है वो खत्म हो गया और मैं घर पहुंच के आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मैं अपना कैमरा भी नहीं लाई, माइक भी नहीं लाई, आई डोंट नो आवाज कैसे आ रही है। अभी हम लोगों को सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदना है और फिर घर जाके बताती हूँ क्या होता है भैया वहां पर। एक तो जर्मन में टॉर्चर कर देते हैं, इतनी जर्मन बुलवा बुलवा के और बोल बोल के, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर। कितने जा रहे हो, कितने चली है? देखो यहाँ सीताफल मिल रहा है, मैंगो, तो हेलो गाइस, और मैं अभी अभी, मतलब हम लोग फ्री हुए हैं सब खा पी के लंच करके, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्या हुआ। एक बहुत नई इन्फॉर्मेशन है तो मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि इंडिया इस चीज़ में बहुत डिफरेंट था। तो मैं गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुंडेस अगेन टू फॉर अरबाइट, जो कि एक एजेंसी है जो जॉब रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो देखती है। तो वहाँ पर मैं गई, मुझे पहले एक लेटर आया था, वो लेटर में अपॉइंटमेंट लिखा था कि अपॉइंटमेंट इस दिन को है, इस डेट को है। मैं वहाँ गई उस टाइम पे, तो मैं जैसे ही पहुँची वो लोग मुझे लेने आए, तो जो पर्सन होता है जिससे आपको बात करनी होती है, जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आया नीचे मुझे, उसने अटेंड किया, फिर वो एक रूम में लेके गया। रूम में लेके जाने के बाद उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे और वो सारे जर्मन में थे, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या करे कि जॉब क्यों छोड़ी, कौन सी कंपनी में थे, ऑल दो उनके पास सारा डेटा होता है, फिर भी किस वजह से जॉब छोड़ी, किस कंपनी में थे आप, अभी जॉब ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे हो, क्या सिचुएशन है,
और आपकी जो डिग्रीज है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं. रिकॉग्नाइज मतलब आपको पता होता है ना कि डिग्री जो है हमारे पास वो रिकॉग्नाइज है या नहीं, वो भी एक क्वेश्चन होता है. क्योंकि क्या होता है ना, ये हमें रजिस्टर करते हैं कि हम जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जॉब सर्च के लिए हमें रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि जर्मनी में हमारी जो बैचलर मास्टर डिग्री है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं, हमने कहाँ कहाँ यहाँ पर जॉब करी और आगे हमें क्या करना है. तो उसने मुझसे मेरी प्रोफाइल पूछी, ये पूछा कि आगे जो मुझे जॉब करनी है वो कौन सी स्ट्रीम में होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने लिख ली, सारा कुछ कुछ नोट डाउन कर दिया. बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस, नोट डाउन कर लिया. अब वो क्या करेगा, वो पूरा कुछ रजिस्टर करके और शायद कंपनीज़ को ये लोग भेजते हैं, और फिर कंपनीज़ जो भी इंटरेस्टेड होती है वो हेल्प, मतलब वो फिर आपको एंटर कर लेती है. इंटरव्यू होता है और वो सारी चीज़ें होती है, फिर एंटर कर लेती है. तो एक कोलैब होता है, एक प्रायोरिटी मिलती है, प्लस इनकी वेबसाइट में भी जब आप एज ए जॉब सर्च अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो आपको बहुत सारी जो है वो जॉब्स मिलती हैं, दिखती हैं वहाँ पर, और वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पर जर्मनी में ऐसा बहुत ही अलग है इंडिया से. एक चीज़ और जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए मैं गई थी, वो एक टर्म होता है यहाँ पर अरबाइट लॉस गेल्ट. अरबाइट लॉस गेल्ट मतलब होता है जब आपके पास जॉब नहीं है और उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, तो अरबाइट लॉस मतलब जॉब लूज के कारण जो पैसा मिलता है वो होता है अरबाइट लॉस गेल्ट. तो अगर आपने 12 महीने तक टैक्स पे किया होता है तो आपको कुछ परसेंटेज सैलरी का जो भी आप कमा रहे हो वो मिलता है, लाइक 65 से 85% के बीच में. तो मैं वो पूछने गई थी कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मुझे मिलेगा क्या इस टाइम पे पैसा, क्योंकि जब तक आपके पास जॉब नहीं होती तो गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प करती है, जो कितना अच्छा है यहाँ पर. जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई रूल ही नहीं है. इंडिया में आपकी जॉब चली गई, चाहे आपने 20 साल तक भी टैक्स पे किया हो, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है जॉब के लिए. तो ये बहुत अच्छी बात थी. तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब पूरा फॉर्म फिल करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्रीवियस कंपनी हैं वो अटैच करके और भेजने पड़ेंगे, एंड देन अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको पैसा जो है वो मिलता रहेगा. जो मुझे अब करना है तो वो मैं करूँगी, कुछ चीज़ें वो भी बची हुई है, आई होप वो हो जाए. एंड इसके अलावा तो बस फिर मैं आ गई, दीपक भी गया था मेरे साथ, तो हम लोग ने कुछ इंडियन स्टोर से कुछ कुछ शॉपिंग करी और फिर हम लोग वापस आ गए. और अब हम लोग ने खाना वाना खा के बैठे हुए थे और मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो आई होप कि वो लोग भी मेरी हेल्प करें. प्लस मेरा जो अलग से चल रहा है वो भी मैंने उसे बता दिया कि मैं अलग से भी ढूंढ रही हूँ, तो जैसा भी होगा वो लोग अगर हेल्प करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी, उनके थ्रू मुझे कुछ मिलता है या मेरे थ्रू ही मुझे कुछ मिलता है तो वो भी बताऊंगी. पर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यू लगी या नहीं, डिफरेंट लगी या नहीं, वो ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए. एंड ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो आई गेस ये दिस इज़ द राइट टाइम आप लोगों को बताने के लिए. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना. और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर करना मत भूलना, एंड प्रेस द बेल आइकन. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें अगेन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगी. और फिर से डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.